लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट औरों में कहा दम था। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म जिसके एपिसोड टू में आपका स्वागत है। एपिसोड टू सोच रहा था मैं किस बारे में बनाऊँ, बेवजह का बना के कोई फ़ायदा नहीं। लेट्स बी प्रैक्टिकल, जैसे फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की कि करण जौहर की टीम पूरी तरीके से इस फिल्म को, क्योंकि उसकी फिल्म भी आ रही है किल नाम की, टूट पड़ रही है। और मैंने बता दिया कि प्रेडिक्शन बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि जो कलेक्शन है वो जो मैंने प्रेडिक्शन किया है वो गलत नहीं है भाई। अगर वो जो अभी औरों में कहा दम था का पॉपुलैरिटी है वो सच में इतना बड़ा नहीं है कि ये फिल्म भारत में 100 करोड़ कर पाएगी। मैं सीधा बोल रहा हूँ ये चीज़, मैं ओपन डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, 60-70 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगी। हमने इस पर बात की है कि कैसे अजय के फैंस ने टूट पड़ना है फिल्म। ओके, ये हो गया। उसमें मैंने समझा दिया आपको करना क्या है, पूरा टूट पड़ो पहले वीक में, इतना डेंजरस टूट पड़ो इस फिल्म पे कि आराम से 100 करोड़ प्लस जानी चाहिए। 150 भी मुश्किल तो है, क्योंकि शैतान के वक्त कोई फिल्में आ नहीं रही थी। यहाँ पे बहुत सी फिल्में, अरे यहाँ पे तो क्लैश में आ रही ना वो किल नाम की फिल्म, वो भी अच्छे खासे स्क्रीन्स लेने वाली, तो आप वो या ध्यान वो भी रखो कि आपको पहले वीक ही टूट पड़ना है, दूसरे वीक से कुछ नहीं होने वाला फिल्म का। पहले वीक फुल टूट पड़ो, ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइड्स, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे फिर। ओके, अब ये हो गया एपिसोड वन का थोड़ा रिकैप बता दिया मैंने। एपिसोड टू में हम बात करने वाले हैं कृष्णा की, जो जोड़ी दिखाई है। यार आप सिंबॉलिक चीज़ों पे बिलीव करते हो या नहीं, इतना बोलो मुझे। ओके, रियलिटी पे भी बिलीव करते हो, हिस्टोरी पे करते हो, हिस्ट्री हुई थी महाभारत। ओके, हिस्ट्री श्री कृष्णा जी पता है आपको, ऑब्वियसली सबको पता है। भगवान श्री कृष्ण की अगर बात करें, और यहाँ पे जो कृष्णा नाम रखा है अजय देवगन ने कैरेक्टर में, डर है कि वो जो लव स्टोरी है ना वो कहीं वो कृष्ण राधा जैसा, राधा कृष्ण जैसा लव स्टोरी, इन द सेंस उनकी तो फ्रेंडशिप बोली जाती थी, तो भाई वो वैसा ना हो। आप समझ रहे हो, फिल्म का जो थीम है ना वो सिंबॉलिक वे में देखा जाए तो मुझे लगता है कि अजय देवगन और तब्बू एक दूसरे को एंड में मिलते ही नहीं है और बस फ्रेंड बन के रह जाते हैं। और वैसे भी अगर हम लॉजिक से देखें तो वो 22-23 साल बाद बंदा जेल से आया है, वो भी लड़की ऑलरेडी शादीशुदा हो चुकी है, तो इसका एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा जो प्रॉब्लम उस टाइप पे हुआ हो। हाँ, अनलेस अनटिल एंड अनलेस अगर जिमी शेरगिल ने 20-22 साल पहले उसका अगर कोई वन साइड लव हो और अजय देवगन को कोई जाल में फंसा के तब्बू से शादी कर ली होगी, तब जाके शायद जिमी शेरगिल का एंड होगा। और अगर ऐसा होगा तो बोल रहा हूँ मैं, पर अगर जिमी शेरगिल का कैरेक्टर जस्ट एज अ हस्बैंड है और ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं है और उसको छोड़ने का कोई सवाल आता ही नहीं फिर तब्बू का, कि इसकी क्या गलती है वाला अगर एंगल आता है और कोई दूसरा ही रीज़न है इस सब के पीछे, तो फिर अजय देवगन और तब्बू एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं। और वो जो सिंबॉलिक वे में उसने कृष्णा नाम रखा है ना, तो ये मे बी इस टाइप का ही दिखाने वाले है, राधा कृष्णा वाला एंगल, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जो नाम रखा है इसमें ही बहुत बड़ा सस्पेंस है यार, अजय देवगन ने अपने फुल ज़िंदगी में नाम नहीं रखा है कृष्णा नाम से, आई थिंक कोई भी फिल्म में काम नहीं किया। और नहीं, इट्स नॉट अबाउट नेम, नीरज पांडे की जो फिल्म है यार, इस पर आप इस बारे में सोच सकते हो, ये बहुत सोचने वाली बात है। जो मुझे लगता है सिंबॉलिक वे में ये बता रहे हैं कि इट्स नॉट अ लव स्टोरी मे बी, अब देखते हैं कि क्या होता है ये। हाँ, थोड़ा सा सैड कर दिया मैंने आपको, पर वो दिख रहा है मुझे वो नाम, एंड वो जो आपने ट्रेलर देखा होगा तो वो भी उसमें आपको दिखेगा कि समहाउ उसने स्ट्रगल बहुत किया भाई अपने प्यार के लिए, लेकिन फिर भी वो 23 साल अगर जेल में गया है ना, 20-22 साल जो भी दिखा है, तो फिर तो पूरी ज़िंदगी, लगभग आधी ज़िंदगी, आधे से थोड़ा कम उस टाइप की ज़िंदगी वो जेल में ही बिता चुका है। तो सोचने वाली बात है, सीक्रेट बहुत है इस फिल्म में, पर करण जौहर जैसे लोग इस फिल्म को डिस्कस भी नहीं करने दे रहे, इसका गुस्सा आ रहा है। कितने लोगों ने ट्रेलर रिव्यू नहीं किया, सोचो कितना ज़्यादा बॉयकॉट इन लोगों ने मारा है। अभी भी बोल रहा हूँ, पहले वीक में अगर नहीं टूट पड़े ना भाई, बाद में रोना मत बाद में कि भाई अच्छी फिल्म को नहीं मिलता है सपोर्ट, बाद में बोलो ही मत कुछ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये सरफिरा को रीमेक मत बोलो, अच्छा कंटेंट है, तगड़ा जा सकती है वो। तुम वो कल की भी पहले वीक में आ रही है, पहले 2 वीक में वहाँ पे उसके स्क्रीन्स, बाद में सरफिरा के स्क्रीन्स, और हमें कहा था के पास सिर्फ 8 दिन है, उससे ज़्यादा तो चंदू चैंपियन के पास दिन है भाई 12 दिन, उसमें भी वो उसका अच्छा नहीं चल रहा है, तो और हमें कहा था के पास सिर्फ 8 ही दिन है। पहले वीक टूट पड़ोगे तो दूसरे वीक स्क्रीन्स रहेंगे, पहले वीक अगर 40-45 करोड़ आ गया तो फिनिश, सरफिरा को सारे स्क्रीन्स मिल जाएंगे, फिर आप लोगों पर है बाकी।
एपिसोड टू अलग था, एपिसोड वन अलग है। एपिसोड वन में मैंने अलग समझाया था आपको, एपिसोड टू में भाई मैं स्टोरी वाइज बात कर रहा हूँ कि मुझे एक दूसरे पे वो मिलेंगे या नहीं डाउट है।